यहाँ पर हम आए हैं, विनोद जी वाल्मीकि यहाँ पर मौजूद हैं और हम जानेंगे कि आपको जो ग्रामीणों ने एक प्रधान बनाकर यानी भारी मतों से जिताया है, जो एहसान आपका क्या है, तो आप उसको कैसे उतारेंगे, कैसे अभी सीधा सीधा बात करते हैं। आपका क्या नाम है, बड़ा आ जाओ, क्या नाम है? विनोद वाल्मीकि। विनोद वाल्मीकि जी, आप पहली बार प्रधान बने गाँव के? पहली बार बने साहब। तो आप पहली बार ग्रामीणों ने आपको वोट दिया है, आप पे एक तरीके से कर्ज है, क्योंकि मतदाता का तो वही कर्ज ही रहता है उम्मीदवार के ऊपर, देश और प्रधान है, तो आप क्या कहना चाहेंगे पहले बताइए अपने गांव। पहले तो यही कहना चाहूंगा, पूरे गांव वाले जितने भी हैं, दो गांव के सभी आदमियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ तक पहुँचाया इन्होंने, मेहनत करके नहीं है, और वोट दे के भी, सपोर्ट से भी, हर बात से तैयार रहे आधी रात, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी स्थिति कमजोर है और हम जानते हैं कि आपकी स्थिति कमजोर है, तो क्या क्या परेशानियां आती हैं, तो इन किन परेशानियों को आप दूर करेंगे अपने गांव के? परेशानियों को सबसे पहले तो जितने भी जो भी हैं, जितना भी हो सकेगा, भाई गरीब आदमी के बारे में सोचा जाएगा, जो भी है, जैसे कॉलोनी होगी, इंदिरा आवास है, और भी हैं बहुत सी योजनाएं आ रही हैं प्रधानी में, सभी देखते नहीं है गरीब आदमी के, और उसके बाद में जब पूरे गाँव की सपोर्ट है, तो सड़क है और भी सारे कुछ हैं, सब देखेगा। और आपकी गांव में कोई समस्या ऐसी कोई आपने देखा, किस समस्या को आप दूर करेंगे या और क्या आप कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे? नहीं करेंगे, अगर कोई नई से ऐसी चीज आएगी तो ऐसी लाके भी दे रखेंगे गांव में, लाके मांग करेंगे, जो कि हमारा आगे चल के और प्रधानों से बढ़िया ही हो जाएगा, हाँ भाई ये आदमी बढ़िया रहा प्रधान। और अपने मतदाताओं को, अपने ग्रामवासियों को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको भाई वोट दिया है, आप यही है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका सभी का। इसी बीच में इनके समर्थक है बहुत, और इस ग्राम के शिक्षित से जानकारी कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मास्टर कुमार पाल जी। मास्टर साहब जी बताइए, इस समय ग्रो जी ग्राम प्रधान बने, आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं और क्या आपने इनको आशीर्वाद दिया है? आशीर्वाद ये है, बहुत बढ़िया आदमी है और पढ़े लिखे भी हैं, गरीब परिवार से आते हैं, गाँव ने इन्हें बहुत सोच समझ के ही इन्हें उम्मीदवार चुना और बड़े खुशी से इन्हें प्रधान बनाया है, और उम्मीद ये रखते हैं कि आप बहुत ईमानदारी के साथ इस गाँव का विकास करेंगे। देखिए अभी हम सब बात कर रहे थे विनोद जी, जो इस समय प्रधान बने हैं हलिया खालसा के, और बहुत ही सीधे साधे हैं, गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, तो गरीबी तो ये जानते हैं, जो आदमी गरीबी जानता हो हर बात जानता हो, अपने गांव के विकास के लिए पूरी तरीके से अपने प्रतिबद्ध है, बिल्कुल अपने गाँव को हमेशा विकास के लिए ऊंचा ले जाएंगे। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।